कांग्रेस ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संविधान में 5 आधार पर नागरिकता का प्रावधान, उसमें धर्म कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के इतिहास में धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है और यह विभाजनकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सीएए के बारे में 9 झूठ फैलाए हैं। प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के CAA के बारे में 9 झूठ, the 9 lies perpetrated by this government, the Prime Minister as well as the Home Minister. पहला झूठ, CAA is not discriminate. अब शायद मालूम नहीं इन्होंने संविधान पढ़ा है कि नहीं, Citizenship Act पढ़ा है कि नहीं, मैं आपको चंद मिनटों में समझा देता हूँ। जब हिंदुस्तान रिपब्लिक बना 1950 26 जनवरी में, तो किस आधार पे नागरिकता मिलनी चाहिए वो संविधान में लिखा है। पहली बात के कोई भी यहाँ अगर पैदा होता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है, वो मुसलमान पैदा हो, हिंदू पैदा हो, बौद्ध पैदा हो, क्रिश्चियन पैदा हो, धर्म से कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर उनके माता पिता यहाँ पैदा हुए हैं तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, नेचुरलाइजेशन, मतलब कि अगर कोई भी यहाँ 11 साल रह चुका है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, इंडियन रिपब्लिक। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये तो हमारा संविधान है और ये हमारा कानून है, कहीं धर्म का यहां नाम है सिटिज्म से जुड़ा हुआ? इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नागरिकता धर्म के आधार दी जा रही है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं।